जिला कांगड़ा में पौंग बांध में 336 और विदेशी परिंदे मृत मिले हैं। अब तक बांध क्षेत्र में 2700 से अधिक परिंदों की मौत हो चुकी है। बर्ड फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए पशुपालन विभाग ने कई कदम उठाए हैं। पशुपालन विभाग जिला कांगड़ा के उपनिदेशक डॉक्टर संजीव धीमान ने बताया कि विभाग ने रैपिड रिस्पॉन्स टीम गठित कर पौंग बांध क्षेत्र में महामारी के एपिक सेंटर जहां विदेशी परिंदे मरे थे के आसपास पोल्ट्री फार्म से 119 सैंपल जांच के लिए जलंधर लैब भेजे हैं। उन्होंने कहा कि इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो 1 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले सभी पोल्ट्री उत्पादों को नष्ट किया जाएगा। ये कार्रवाई प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में की जा सकती है। इसके लिए विभाग केंद्र सरकार के तय मानकों के अनुसार कार्रवाई करेगा। टीम ने ये भी सर्वे किया है कि महामारी वन्य पक्षियों से घरेलू मुर्गे मुर्गियों में तो नहीं फैली है। प्रदेश में सरकार ने अंडे मांस चिकन के प्रयोग पर रोक नहीं लगाई है। ये रोक कांगड़ा के प्रभावित 4 उपमंडलों देहरा ज्वाली फतेहपुर व इंदौरा में ही है। विभाग द्वारा रैपिड रिस्पांस टीम्स का गठन जो है कर दिया गया है और अभी तक जो पौंग डैम का एरिया है उसमें हमारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं प्रवासी जो पक्षी हैं उनमें जो है मॉर्टेलिटी देखी गई है और उसमें 2000 से ज़्यादा जो है प्रवासी पक्षी जो हैं वो मृत पाए गए हैं। अभी तक जो हमारी फील्ड से जो रिपोर्ट आई है अभी तक एक भी पोल्ट्री डेथ जो है वो नहीं हुई है और इस संदर्भ में हमने लगभग 119 सैंपल जो हैं वो हमने जलंधर जो है लैब में टेस्टिंग के लिए भेजे हैं। उसकी 1 या 2 दिनों के अंदर जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये जो बीमारी है प्रवासी पक्षियों से कहीं हमारी पोल्ट्री में तो नहीं चली गई है। अगर हमारी अगर ये रिपोर्ट कुछ पॉजिटिव आती है तब हमारा जो है नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होगा कि हम 1 किलोमीटर के अंदर जो है जो भी बर्ड्स होंगे एपी सेंटर के जो 1 किलोमीटर के अंदर उनको हमें कलिंग करनी पड़ेगी, उन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और साथ ही अगर हमारे जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्म उस एरिया में आते हैं तो उनकी प्रॉपर डिसइंफेक्शन भी जहां जहां इन्फेक्शन है वो भी विभाग द्वारा जो है की जाएगी। इस संदर्भ में विभाग द्वारा जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। ये जो बीमारी है एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू जिसे हम बोलते हैं ये जानवरों में नहीं है। ये हालांकि ये जो बीमारी है ये पक्षियों से आदमी में जा सकती है परंतु इसका जो अभी तक देखा गया है कि पिछली शताब्दी में सिर्फ 4 बार जो है पूरे वर्ल्ड में जो है इसकी आउटब्रेक जो नोट की गई है। हिंदुस्तान में पहली बार जो है हमारे देश में वो 2005 में इसकी रिपोर्टिंग हुई थी तो उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके बारे में एक्शन प्लान बनाया और उसके अकॉर्डिंगली ही विभाग जो है वो कार्रवाई कर रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब हमारे जो पौंग डैम एरिया है वहाँ पर प्रवासी जो पक्षी हैं उनकी मृत्यु हो रही है उसके बाद जो है उनकी जो डेड बॉडीज हैं उनका कार्कस है उसको डिस्पोजल के लिए विभाग को दिशा निर्देश हुए हैं तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है उसके अनुसार ही जो है उसका जो डिस्पोजल जो है विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि इन्फेक्शन जो है वहाँ से आगे नहीं फैले।